नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के हम इस वीडियो में CBSE से रिलेटेड जो कल न्यूज आई है उसको बारे में जानेंगे कि क्या बदलाव किए गए हैं। और जो लोग हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मध्य प्रदेश शासन जो सामान्य विभाग मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया है जिसमें जो CBSE से रिलेटेड न्यूज है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि जो शासन जो विषय की बात करें तो इसमें विषय में बोला गया है कि जो CBSE जो एग्जाम कराता है, कंडक्ट कराता है MP में, तो जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है उसमें न्यूनतम तो 30 वर्ड पर मिनट जो इंग्लिश टाइपिंग में और हिंदी टाइपिंग में जो है 20 प्रति मिनट आधारित की गई है। उक्त निर्देशों से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों के लिए CBSE में अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग क्वालिफाइंग होना आवश्यक है। ओके, तो इसमें बदलाव किया है कि जो सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है किंतु अंग्रेजी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि हिंदी टाइपिंग में पास होना जरूरी है, इंग्लिश में नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे सीधा बोला गया, समकक्ष पदों के लिए CBSE परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है किंतु अंग्रेजी में नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा बोला है अंग्रेजी में नहीं है। तो कुछ पद ऐसे हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मांगी गई है, लेकिन मोस्टली जो पद हैं उसमें सिर्फ हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण मांगी गई है। तो ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कंप्यूटर और हिंदी में क्वालिफाइंग थे, तो उन लोगों के लिए अच्छी खासी खबर है। तो सीधा सीधा यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी और कंप्यूटर में क्वालिफाइंग होना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और भी नया कुछ देखेंगे। और जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में थैंक यू। और इस वीडियो में थोड़ी नॉइस है क्योंकि बारिश हो रही है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए गुड डे।